हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी आइस चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं ईरान में इलेक्शन हुए हैं, ईरान में कौन प्रेसिडेंट चुने गए हैं आज हम समझेंगे, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा पूरे इंडिया पे, पूरे वर्ल्ड पे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम देख लेते हैं ईरान की लोकेशन। ईरान यहाँ पे है और इस ईरान के पड़ोसी देश है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, सऊदी अरबिया, इराक एंड टर्की एंड अजरबैजान एंड आर्मेनिया। तो आपको पूछ सकते हैं ईरान लैंडलॉक कंट्री है कि उसके पास कौन कौन से, नहीं ईरान कोई लैंडलॉक कंट्री नहीं, उसके पास कई सारे सी जाते हैं, कैस्पियन सी है, पर्शियन गल्फ है एंड गल्फ ऑफ ओमान है। आपको गाइज मेरे को एक सवाल का जवाब देना है, बंदर है जस्ट कभी रिसेंटली न्यूज में था, ये क्यों था, इसका क्या रीजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि रईसी जीत चुके हैं, इब्राहिम रईसी, ये तेहरान टाइम्स का आर्टिकल है। जो इब्राहिम रईसी है वो ईरान के नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं। ये एक और है आर्टिकल देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस का, इसमें आप वॉइस ऑफ अमेरिका भी आर्टिकल देख सकते हैं। ईरान रिफॉर्मिस्ट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कंसीड लॉस टू रईसी, यानी कि जो रिफॉर्मिस्ट कैंडिडेट थे वो हार चुके हैं रईसी से, और हार्ड कोर इस्लामिक इब्राहिम रईसी ये प्रेसिडेंट बन चुके हैं। सबसे पहले हम थोड़ा बहुत ईरान के बारे में जान लेते हैं, ईरान की डेमोग्राफी के बारे में जान लेते हैं। ईरान में 99.4% इस्लाम में, उसमें भी 89.46 शिया मुस्लिम है और 9.94 सुन्नी मुस्लिम से। आप ये कह सकते हैं 90% और 10%, 90% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन शिया मुस्लिम से और 10% सुन्नी मुस्लिम से है। और ईरान के जो गवर्नमेंट के सुप्रीम हेड है या सुप्रीम लीडर है वो अली खमेनी जी हैं, और प्रेसिडेंट है हसन रूहानी, और चीफ जस्टिस हैं इब्राहिम रईसी। और अब जो चीफ जस्टिस है इब्राहिम रईसी वो बन जाएंगे प्रेसिडेंट, वो हसन रूहानी की जगह लेंगे। ईरान में इससे पहले पहलवी डायनेस्टी का राज था, आप देख सकते हैं ये 15 दिसंबर 1925 से लेके 10 फरवरी 1979 तक पहलवी डायनेस्टी का राज था। फिर 11 फरवरी को इस्लामिक रिवॉल्यूशन आता है जिसको हम ईरानियन रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, वो पहलवी डायनेस्टी को उखाड़ फेंकते हैं। पहलवी डायनेस्टी जो US के काफ़ी करीब मानी जाती थी, लोग कहते थे ये उस टाइम ईरान बहुत फल फ्रेश कर रहा था, और लोग कहते थे कि ईरान में जो गवर्नमेंट है वो US की पपेट गवर्नमेंट है। लेकिन उसके बाद एक इस्लामिक रिवॉल्यूशन शुरू हुआ जिसमें अयतुल्ला रूहुल्ला खोमेनी जो लीडर बन के उभरे, और इन्होंने वहाँ पे ईरान में गवर्नमेंट क्रिएट करी और ख़ुद को कमांडर इन चीफ और घोषित कर दिया, कहने मतलब सुप्रीम लीडर भी क्रिएट करके वो खुद को कंट्री का कमांडर इन चीफ एंड कमांडर एंड चीफ एंड पावरफुल रिवोल्यूशनरी गार्ड का सबसे मुखिया घोषित कर दिया। तो अभी जो है वो अयतुल्ला खोमेनी है, आप देख सकते हैं अली खमेनी है, उससे पहले थे अयतुल्ला खोमेनी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अभी अली खमेनी जी हैं वो सुप्रीम लीडर हैं। ईरान के थोड़े बहुत हम इलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, ईरान में कैसे इलेक्शन होते हैं। हर 4 साल में इलेक्शन होता है, एक व्यक्ति 2 बार से ज़्यादा इलेक्शन नहीं लड़ सकता, इस कारण हसन रूहानी है वो अब तीसरी बार इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। चुनाव लड़ने के लिए आवेदन करना पड़ता है, फिर जो भी आवेदन लिस्ट होती है जो भी आते हैं फिर उसको शॉर्टलिस्ट करते हैं गार्जियन काउंसिल, और काउंसिलिंग को क्रिएट कौन करता है, इसके जो 12 मेंबर्स होते हैं इसमें बहुत ही ताकतवर होते हैं, इनको कौन सेलेक्ट करता है, सुप्रीम लीडर जो है अली खमेनी। जीतने वाले को कम से कम 50% वोट चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो जो टॉप 2 लोग होते हैं उनके बीच में वापस मुकाबला होता है। ये आप इधर से देख सकते हैं, ये लेफ्ट में अब्दुल नसीर हेमती, ये 64 साल के हैं, ये सेंट्रल बैंक के चीफ रह चुके हैं। इसके बाद इसके पास में हैं वो है मोहसिन रहजाई, ये सेना के पूर्व कमांडर इन चीफ रहे हैं, और ये आमिर हुसैन हाशमी, ये 50 साल की उम्र के, ये संसद में डिप्टी स्पीकर हैं, और ये अभी जो प्रेसिडेंट बने हैं इब्राहिम रईसी, ये अभी चीफ जस्टिस ऑफ ईरान है। एक आपको और एक चार्ट देख सकते हैं इसमें, और हम ईरान की संसद को मजलिस भी कहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि 4 साल में इलेक्शन होते हैं। और ईरान में असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स भी होते हैं जो 39 मेंबर होते हैं, जो
जो भी विवाद होते हैं उनको निपटारे का काम करते हैं। यहाँ पे असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स भी होते हैं, यहाँ 8 साल में इलेक्शन होते हैं, यहाँ पे 4 साल में होते हैं मजलिस में जो संसद होती है, और यहाँ पे 88 मेंबर होते हैं, वो 8 साल में इलेक्शन होते हैं, और ये भी बहुत ही पावरफुल लोग होते हैं। अभी बहुत ही लाखों लोगों ने, ईरानियों ने काफ़ी वोट करा, उनके मुद्दे रहे थे अर्थव्यवस्था, क्योंकि आपको भी पता है कि ईरान न्यूक्लियर के बैक आने के बाद यूएसए ने जब पुल आउट कर लिया तो ईरान की न्यूक्लियर डील काफ़ी चरमा गई, ईरान की इकोनॉमी क्रैश होने के मुकाबले पे आ गए, अर्थव्यवस्था में वो ना के बराबर काम कर पाए, बेरोजगारी भी 24% से भी ज़्यादा है, कोरोना में इनकी सरकार की आंखें और खुल गई, 3 करोड़ से भी ज़्यादा मामले दर्ज हुए ऑफिशियली, और 83,000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, और इसके किसी भी देश के साथ संबंध अच्छे नहीं है। कोई भी देश, चाइना के साथ भी ठीक है, हाँ उसको मतलब का काम है तो उसके साथ संबंध है, बाकी उसके साथ और भी कोई संबंध नहीं है। इस देश पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगता है, जो फिलिस्तीन में आतंकवादी संगठन है हमास, उसको मदद देने का आरोप लगता है, इसलिए ये हमेशा इसराइल और अमेरिका के निशाने पर रहते हैं। तो ये हैं अभी ईरान के नए प्रेसिडेंट, और इन पर इल्ज़ाम लगता है कि 23 साल पहले इन्होंने 5,000 राजनेताओं को फांसी दिलाई थी, और जब इब्राहिम रईसी 1988 में वकील थे तब इन्होंने 5,000 राजनेताओं को फांसी दिलाई थी, और भी अभी हाल ही में ह्यूमन राइट वॉयलेशन के कारण नेशन वाइड जो प्रोटेस्ट हुए थे तब इब्राहिम रईसी पर EU और USA ने सैंक्शन लगा दिए थे, और ये परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के पक्षधर हैं, लेकिन अभी इनकी जो मजबूरी है अर्थव्यवस्था, तो उनको रिवाइव करने के लिए हो सकता है कि वो न्यूक्लियर डील को आगे बढ़ाने का काम करे, हो सकता है न्यूक्लियर डील पे बात बन जाए, और इनको 62% से भी ज़्यादा मेजोरिटी के साथ वोट मिले। मैंने आपको पहले ही बताया था ईरान में 50% से ज़्यादा जिसको वोट मिलते हैं वो प्रेसिडेंट बनता है। और आप एक आर्टिकल और देख सकते हैं, वाई द कमिंग ईरानियन इलेक्शन विल चैलेंज द बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि बिडेन है, जो बिडेन है वो थोड़े सॉफ्ट हैं, और ये जो है प्रेसिडेंट है ये काफ़ी हार्डकोर है, हार्डकोर इस्लामिस्ट है, तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। ये अभी ट्रंप होते तो इन दोनों की बिल्कुल नहीं बनती, अभी एक तलवार एक मियान में दो तलवारें जैसे नहीं खिटकती, वैसे के वैसे अभी एक थोड़े सॉफ्ट नेता है और ये थोड़े हार्ड नेता है, अगर ये दोनों का दोनों अगर अमेरिका में अभी ट्रंप होते तो शायद ही ईरान न्यूक्लियर डील वापस रिवाइव हो पाती, लेकिन अभी होने की पॉसिबिलिटी लगते हैं। और ईरान में जो अभी इलेक्शन हुए हैं वो पूरे ईरान के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में सबसे कम पॉपुलेशन, सबसे कम लोअर वोटर टर्नआउट रहा है। 2017 में जहाँ 70% से भी ज़्यादा लोगों ने वोट करा था, इस बार जस्ट 44% है, ओनली 44%, और कहीं 100 ऑफ द मॉडरेट्स को बाहर कर दिया नेशन के जो गार्डन काउंसिल, मैंने बताया कि गार्डन काउंसिल चुनती है कि कौन हमारा प्रेसिडेंट बन सकता है। तो इससे पता चलता है आयतुल्ला खमेनी जो बता रहे हैं कि अब हम पश्चिम की राजनीति नहीं करके पूर्व की राजनीति करेंगे, तो ईरान इससे पहले न पूर्व में रहता था न पश्चिम में रहता था, लेकिन अब देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि कैसे काम करेंगे। इस जीत से ईरान और वर्ल्ड पे क्या मतलब निकलता है, हालांकि जो इब्राहिम रईसी है वो बहुत ही हार्डकोर है और अब वो सोशल मीडिया को बहुत कंट्रोल करने वाले हैं, जो वुमेंस के लिए इतना फ्रीडम नहीं देंगे और प्रेस को भी फ्रीडम नहीं देंगे, द हार्ड लाइनर आर सस्पिशियस ऑफ द वेस्ट, लेकिन रईसी और सुप्रीम लीडर अमनतुल्ला खमेनी है वो इंटरनेशनल डील ऑन द ईरान न्यूक्लियर एक्टिविटी के पक्ष में है। जैसा कि आपको पता है 2018 में यूएसए ने इस न्यूक्लियर डील से बाहर आ गया था ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के कारण, जिससे ईरान पे और सैंक्शन भी लगा दिए थे, जिससे ईरान की इकोनॉमी बहुत ही सीवियर कंडीशन में आ गई है। हमको भी पता है कि आज हम भी इंडिया भी तेल नहीं खरीद पा रहा, क्योंकि उल्टा हमें ईरान से तेल खरीदने में बहुत फ़ायदा होता था, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम थी, ईरान हमें रुपीज में ट्रेड करने के लिए तैयार था, ईरान अकेला ऐसा देश था जो हमसे रुपीज में ट्रेड करता था, नहीं तो हम जहाँ से पहले अब हम ट्रेड करते हैं, चाहे सऊदी अरेबिया हो चाहे USA से हो, जो भी हम तेल खरीदते हैं जहाँ से भी, तो हमको वहाँ डॉलर पेमेंट करना पड़ता है, इससे हमारे फॉरेक्स रिजर्व पे भी असर पड़ता है। तो हम वे फॉरवर्ड में हम यही कह सकते हैं रईसी को ट्राई करना चाहिए
कि वो कैसे भी करके इस ईरान न्यूक्लियर डील को रिवाइव कर दे, उसको वापस ले आए। और हालांकि रेजी का पूरे फॉरेन पॉलिसी पे कोई इम्पैक्ट ना के बराबर रहेगा, क्योंकि जो फॉरेन पॉलिसी है वो सीधे सीधे डायरेक्ट किए जाते हैं सुप्रीम लीडर अलीतुल्ला खमेनी के साथ, और जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है उनके साथ भी ये चर्चा करते हैं। तो अब देखना इंटरेस्टिंग रहेगा अब आगे क्या होगा। इसी नोट के साथ आप सब पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।